समस्तीपुर जिले के रोसड़ा के पंचपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 5 में लगभग 22 कट्ठे में लगे गेहूं की फसल जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि बिजली के तार से निकले शॉर्ट सर्किट की चिंगारी ने देखते ही देखते 22 कट्ठे में लगे किसानों की मेहनत को अपने लपेटे में ले लिया। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि मौके पर जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तब तक आग ने किसानों के मेहनत को राख में मिला दिया। बेगूसराय टुडे के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। घर से चिंगारी गिरी, उसके बाद आग गिरी, उसके बाद पूरा खेत जल के राख हो गया। कैसे आग लगी? ये शायद वहाँ से वो जो बिजली की तार गई है खेत से उससे चिंगारी गिरी, इसी के कारण ये पूरा खेत जल के राख हो गया। कितना लोगों का यहाँ खेत है? यहाँ तो बहुत सारे लोग का खेत है, लेकिन पर्सनल बिजली के तार जो गिरी है वो राम सुरेंद्र महतो पांचूपुर के निवासी है, उनके खेत में पूरा जल गई है। और आसपास में जला गया? और आसपास बगल में है राम पुकार जी का खेत है, उसमें भी आग लगी है, उसका भी राम पुकार जी है। ये देख रहे वीडियो, जिस खेत में आग लगी है पांचूपुर है, यहाँ उपस्थित भीड़ बिजली के कारण आग लगी, इसमें 4 कट्ठा के लगभग में गेहूँ जल के राख हो गया है। इसका सरकार मुआवजा देने की कोशिश करे, क्योंकि गरीब आदमी है, कहाँ से बिजली। ये आग कब लगी और कैसे लगी? ये आग 2 घंटा पहले लगी है, और ये बिजली के तार जो है ये नीचे था और इसे चिंगारी निकली है, इसके कारण ये आग लगी है। और यह दो गेहूँ का खेत जल गया है, और ये लमसम 10 कट्ठा का गेहूँ था। कैसे लगी आग? किसका किसका खेत जला? ये लगी भीड़ देख रहे हैं आप, आग लगने की सूचना मिलते यहाँ के ग्रामीण खेत तक आए, यहाँ का माहौल, यहाँ का दृश्य देख रहे हैं। यही बिजली का पोल है जिसे आग लगने की संभावना हुई थी, इसी के कारण आग लगी। अब यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं। क्षति पूरा क्षति हुई है, वो सरकार से जो है सो क्षति का जो है सो पूरा किया जाए। आपका नाम? प्रदीप दास। पाचूपुरी घर है। ये लोग उपस्थित हैं इस खेत में आग लगने से, पूरे ग्रामीण जब जाने तो यह खेत तक पहुंचे, ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये पांचोपुर की खेतों में है, यहाँ के ग्रामीण जब जाने तो दौड़ते हुए इस खेत को बचाने के लिए आए, लेकिन तब तक बचाने से तक पहुँचते उससे पहले जल चुका था ये खेत, गेहूँ का खेत देख रहे हैं आप। और डंकल वाले भी 2 घंटा के बाद आए हैं, वो सेवा इतना कर चुके हैं कि जो सेवा उनसे आशा नहीं रखता है।